Brothers. Good evening. Pachis degree. It's a nice weather. Mera camera jo hai, let me do my camera a little bit up on the sky. It's okay now. Anyhow, so main zara ye downtown ki taraf ja raha tha. Beech mein agar koi ek aad picture hui to, main video hui to main banaunga. Not downtown, it's somewhere in Bathurst and somewhere in Toronto. So I will make some videos. I mean, camera on rakhunga, or in case agar koi cheez dikhane wali hui ho, galiyan waliyan is kabil nahi, I will definitely show you guys. Chalein bhi ho, milte hain ek break ke baad. हाईवे पे हूँ, 401 पे. घने बादल हैं, सारा दिन बारिश होती रही है. ये फ्यूर्स अब मैं शाम का वक्त है ये, और मेरे पीछे हस्बे साबिक काफी सामान है और मैं ये डिलीवरी देने के लिए जा रहा हूँ. कुछ मेटल के आइटम्स हैं, तो ये जो है मैं मेन डाउनटाउन में मुझे डिलीवरी देनी है. ऑलवेज ऑन द गो. Access to northbound Jarvis closed. तो मुझे Jarvis पे तो जाना भी नहीं है. फिर भी I should on the safe side, be on the right lane. Spadina 153. Spadina की जो ये है ना, Ripley Aquarium और ये CN Tower की exit है basically. जो है नेक्स्ट एग्जिट है, इसके बाद वाली जो एग्जिट है वो मेरी है जिस पे मुझे जाना है. तो इट्स अ गुड टाइम टू गो इनटू द आई मीन डाउनटाउन में जाने का. ये एक शाम का टाइम एक अच्छा टाइम कह सकते हैं. वो थोड़ा सा लाइट का इश्यू होगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अगर खटखट से, मुझे नहीं पता कि मैं एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइस को दबाने का एक टूल है, लेकिन उसमें फिर आवाज़ जो है ना गड़बड़ा जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी ये खटखट को आप बर्दाश्त कर लीजिएगा. कोशिश करूँगा साइड म्यूजिक डाल के इसको. लोग चलाते हैं भाई, कीप लेफ्ट योर नॉर्थ, कीप लेफ्ट. ये मैसेज आया हुआ और मेरी, एक तो ये मैसेज तंग करते हैं, मैसेज में मेरे सारे एरो वेरो सब दुख जाते हैं. ठीक है ना, मैसेज पे मैसेज आ रहा है और जीपीएस को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है. अब ये कम ऑन गाइस,
अरे अब ये जीपीएस ने मुझे उल्टा दिया। ओ मैन, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। हेलो अंकल, अंकल तो घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, उसका मैसेज आया हुआ है, आई एम गॉन, आई एम वे गॉन। ये क्या बकवास है यार, गार्डनर एक्सप्रेस वे बेस्ट एंड देन व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आई डोंट नो, इट्स वेरी वेरी हर्ट फॉर मी सम टाइम। GPS is very annoying. meter पे वो मुझे कह रहा है कि लेफ्ट बनाओ। How come I'm gonna make the left? जी व्यूअर, it's a bit confusing for me. मैं हमेशा avoid करता हूँ ये downtown में आने को, इसीलिए देख रहे हैं नई रीसा शहर टोरंटो दिया। सुनसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल डाउनटाउन जाना सुनसान पड़ा हुआ है। गाड़ियां फिर भी बेतहाशा हैं, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है मेरे जैसे आदमी को। हम लोग जो है ना यहाँ जब आते हैं तो हम इट इज लाइक गांव वाले नहीं आते, जब गांव वाला आके ग्वाच जाता है। Why she took me? GPS जो है ना मुझे बिल्कुल, मुझे बैथर्स पे जाना, बैथर्स बहुत पहले है, ये मुझे लेके आया यॉर्क तक। ओह मैन, राइट साइड पे काश के मैं आप लोगों को दिखा पाता। आ जाओ देखा ना कैसे ट्रैफिक ब्लॉक किया। कम ऑन मैन, सारा ट्रैफिक ब्लॉक किया हुआ है, फिर भी अकल है इनको। ये रॉजर्स सेंटर है, चले आपकी सैर हो गई डाउनटाउन की थोड़ी सी। पीटा एंड ग्रिल, आई हैव नो क्लू एट ऑल। 1.6 किलोमीटर 4 मिनट्स। आई होप आई एम डूइंग राइट। यहाँ ये भी देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ये सामने जो है ना व्यूअर, मैं आपको दिखाता हूँ, चले यहाँ से ये देखें, ये सीएन टावर। ये वाइट कर दिया स्क्रीन मैंने। और साड़ी बारी कदों आएगी? Come on guys, I'm already way too late. I'm supposed to be here 8:08 पे मुझे होना था और ऑलरेडी 8:08 हो गए हैं। एक दफा डाउनटाउन में घुस जाओ ना तो जलील। अच्छा इसमें यह है कि जब यहाँ पर आप आए ना तो अपनी ना चलाएं, सियाने नहीं बने। उसमें टिकट मिलने का भी खतरा है, एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। तो जैसे GPS लेके जा रहा है थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाएं। पेशेंस से मुराद ये है कि जस्ट बी काम डाउन,
डोंट रश, अगर रश करेंगे तो यू विल बी मोर कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर पेडेस्ट्रियन भी होंगे, गाड़ियाँ भी होंगी, और जबकि ये एक पेंडेमिक का टाइम है, अदरवाइज यहाँ पर बेतहाशा रश होता है। अच्छा, जब मुझे कहाँ जाना है, लेक शोर, काश कि मैं दिखा सकता मेरे जीपीएस पे जो नजर आ रहा है, जबरदस्त किस्म की यहीं से मुझे राइट बनाना है, देखे ना, राइट लेफ्ट पब्लिक वॉक दिस एंड दैट, मुझे यहाँ कहाँ जाना है भाई, डॉन 1.1 किलोमीटर सीधा जाना, सीधा सॉरी, ये ज्यादा डाउनटाउन के अंदर नहीं गया है, लेकिन बहुत वीडियोस बनाई है मैंने डाउनटाउन की, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे और यहाँ पर एक टिपिकल क्लास है जो शाम को एंजॉय करती है। ये लेफ्ट साइड पे क्या चीज है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जो ये जनानियां जा रही हैं, आई डोंट नो हो रहा होगा, हाँ सारा वो हार्बर फ्रंट है, सारा एक किस्म का एंटरटेनमेंट का ये वो, उसके बावजूद जो है ना, पेंडेमिक के बावजूद भी नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं, 7-4 ये चाहिए, इसको एक्सट्रीम राइट लेन पे आ जाना चाहिए यार, एक तो व्यूअर्स भी मेरी हेल्प नहीं करते ना, मसला ये है, देखें क्या ऐसे छत के ऊपर घास लगाई गई है, आप ये देख रहे हैं राइट साइड पे बिल्डिंग जो है 400 मीटर्स के ऊपर, मुझे लेना है डैन लीकी वे पे, सॉरी ठक ठक, सॉरी गाइस ठक ठक, चले अभी जो भी आएगा इसके ऊपर मुझे राइट बनाना चाहिए, तभी ये मुझे घुमा के लाया है, एक्चुअली इसके ऊपर गार्डनर की कोई एग्जिट नहीं आती है, तो इसलिए जो है ना ये मुझे घुमा फिर आके, टिपिकल यहाँ का क्राउड होता है, टिपिकल लोग यहाँ पर रहते हैं जिनका काम डाउनटाउन से रिलेटेड होता है। अच्छा इधर जाना पर जी हूँ मैं, अराइव्ड एट कोने में ही है, अच्छा यार टिम होटन कह रही है बंदी, ओह माय गॉड ऑन द लेफ्ट साइड, काश के मैं आप लोगों को दिखा सकता, इस बंदी ने मुझे कहा है यार टिम होटन है, टिम होटन के पार्किंग लॉट में वो मेरे पार्सल ले लेगी ये मेटल का जो भी है, यहाँ पर स्टॉप साइन पे गाड़ी रोकनी है। अच्छा जी आगे चलते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो मोस्टली अपनी गाड़ियां नहीं रखते। अच्छा जी टिम होटन का पार्किंग लॉट, ओके दैट्स व्हाट शी सेड, पार्किंग लॉट किधर है, बिहाइंड द बिल्डिंग शी सेड, आई हैव नो क्लू, अगर यहाँ पर पार्किंग मार्किंग की कहानी आ गई तो आप ही स्टक, वाओ आई हैव नेवर बीन हियर, चलिए मैं बंदी को कॉल करता हूँ, आप बिल्डिंगें देखें क्या खूबसूरत, ये सब ये जैसे ना पहले यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज थी, पता नहीं क्या क्या तोड़ तोड़ के इन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ बनाया है, I don't see any parking lot or anything. I see the Tim Hortons.
You're gonna have to go on, yeah, where the side of the Tim Hortons is, you're gonna have to park somewhere there. Yes, I am in the back. There's a parking, there's an entry in. I am parking in the back. There's a bunch of buildings in the back, the white colored, you know, the block style. So I'm parked here. Like on the Tim Hortons side or the back? No, in the back of the Tim Hortons. The back means parallel to, I don't know, I am blocking somebody's exit. Oh, shit. Will you be able to come up with the cages or no? Yeah, we're seeing here. बहुत सारे लोगों की पार्किंग पता नहीं क्या क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ दिस दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज स्केयर्ड टू कम यहाँ पे लाइफ है ये कोई इट इज वेरी वेरी अनोइंग वेरी वेरी अनोइंग ये देखें आई एम स्टक मैं पीछे कैमरा देखूँ अगर रिवर्स में करूँगा तो कैमरा नजर आएगा पीछे का चले कोई नहीं है ये भी शुक्र है कि आजकल की गाड़ियाँ जो हैं कई जगह पे देखना पड़ता है ओह शिट जस्ट अ मिनट यू स्टिल गॉट मैन कैन यू गो लिटिल बिट ऑन दिस साइड से मैं जा ही नहीं सकता वाओ आई कैन नॉट इवन गो देयर मैं यहां से लेफ्ट बना सकता हूं नहीं बना सकता मैं इधर से लेफ्ट नहीं बना सकता ओह माय गॉड व्हाट वेयर आर यू व्हाट आई एम डूइंग चले व्यूअर आप भी सैर करें मेरे साथ यहां से तो मैं ये भी नहीं कर सकता U-turn भी नहीं मार सकता कैन आई मेक अ U-turn फ्रॉम हियर नो आई कैन नॉट मेक अ U-turn लेट मी सी ओह मैन आई एम नॉट आई एम स्टक बिग टाइम आई एम स्टक देखे मैं U-turn मार सकता हूँ सियाणा बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता यहाँ से Nope, I am not be Siana at all. I cannot be Siana. Let's see how it works. पीछे मेरे कोई नहीं है तू आ जा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ अगर इस पर टिकट मिला तो काम हो जाएगा देखें व्यूअर सामने आपको सीएन टावर नजर आ रहा है कौन कराएगा आपको सैर इस तरह की ये टिम होटल था यहाँ पर मैं इसके फ्रंट पे जाता हूँ अच्छा जी यार या तो राइट पे हो जाओ या मेरे को लेफ्ट पे हो जाओ क्यों ऐसा कर रहे हो मेरी लाइट क्यों खराब कर रहे हो खराब कर रहे हो इधर तो गाड़ी भी लगा सकते इधर तो गाड़ी भी नहीं लगा सकते
behavior. Sorry, मैं इतनी देर नहीं बोला था. वहां से मुझे कुछ और सामान भी उठाना था जो पहले इनको डिलीवर किया था. उसमें काफी इंतजार करना पड़ा. I was surprised to know कि ये बिल्डिंग जो टिम होटल के ऊपर जो बिल्डिंग थी वो लो हाउसिंग सब्सिडाइज हाउसिंग थी. माफ कीजिएगा. अगर आप सब्सिडाइज उस पर हैं जो जिस लड़की से बात हो रही थी वहां पर लोडिंग द स्टफ इन माय इस दौरान में वो लोड कर रहे थे गाड़ी में सामान. तो बकौल उनके के उस लड़की के लोग जो हैं अगर आप वेलफेयर के ऊपर हैं तो $85 अ मंथ प्लस आपको यूटिलिटी जो भी है वो पे करनी होती है. आई वाज सरप्राइज्ड. मुझे ये सारा जो लो हाउसिंग का है वो सिस्टम अभी तक मुझे पता नहीं था. एनी हाउ चले ये यहाँ से ये लेक शोर है ये सारा खूबसूरत ये देखें आप. वाओ शायद रात को नजर ना आ रहा हो कुछ नजर आ रहा हो. ओनली ना बन जाए भैया लग रहा है ये ओनली बन जाएगी. यहाँ भी जा नहीं रहा है. ये लेक्शर ड्राइव के पर है ये अंटारियो प्लेस. सॉरी सी एन ई या पता नहीं क्या क्या कह रहा था आते हैं. ये अंटारियो प्लेस है. यहाँ सारी गेम्स वगैरह होती थी झूले वूले होते थे. अब आई डोंट नो आजकल है कि नहीं है. ये समर में बड़ा घूमने फिरने वाली जगह होती है. सारे रीना है बोट्स हैं. होटल टोरंटो डिलक्स पिकनिक एक्सपीरियंस. चले वियर 24-25-26 मिनट की हो गई है वीडियो. पसंद आई तो डाल दूंगा पसंद नहीं आई तो थैंक यू वेरी मच. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट प्लीज 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 सब्सक्राइब माय